तो ये वक्त है 1991 का। पोलैंड के अंदर हम एना नामी एक बुरी औरत को देखते हैं। वो इस टाइम न्यूज देखने में मगन थी, लेकिन साथ ही उसका दौर बाहर जाने के लिए उसे तंग कर रहा था। खुद से लेकर वो बाहर जाना ही चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है ताकि डॉग बाहर जा सके। लेकिन बाहर जाते ही हमने नोटिस किया कि वो डॉग ऐसे भूक रहा है जैसे उस पर किसी को दीख गया हो। ऐसे में एना उसे घर वापस लाई। उसकी चाल ढाल अब अजीब हो चुकी थी, जिसके चलते एना ने उसे गोद में उठा लिया और डोर नॉक करना तो वो भूल ही गई। जिसका फायदा उठाते हुए मास्क पहना हुआ एक आदमी उसके घर घुसा, जिसे चुपके से घर के अंदर आता देखकर एना भी अलर्ट हो जाती है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर बेहोश कर देती है। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को हथकड़ियों से बंधा पाया। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, तड़पता है, लेकिन एना सब कुछ इग्नोर करते हुए पूछती है, बताओ मेरे घर क्या करने आए थे? जवाब में वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम सब आया था। एना हंसती है और इसका नाम बताते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें जानती हूँ। वो आदमी हैरान था कि एना को इसका नाम कैसे पता था, और एना उसे कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, चोरी करने के लिए कोई अपनी आइडेंटिटी साथ लेके आता है क्या? ये कहते ही एना फोन की तरफ बढ़कर पुलिस को कॉल मिलाने लगती है। ये आदमी कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम एना नहीं, तुम एक क्रिश्चियन थी और खुफिया मिशन के लिए काम करती थी। एना को थोड़ी हैरानी तो हुई कि ये लड़का उसके बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन उसने जवाब दिया, जो चाहो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने पुलिस का फोन नहीं काटा। तब लड़का कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बर्लिन में क्या मिला था। और ये सुनते एना फोन काट देती है, और इससे हमें यकीन हो गया कि सच में एना का कोई ऐसा राज था जो उस आदमी को मालूम था। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि जंग के बाद तुम्हें बर्लिन में कुछ खास मिला था, कुछ ऐसा जिसे तुम एक खास मिशन के तहत छुपा कर बर्लिन से मॉस्को ले जा रही थी। तुम्हारी ही टीम को ये सीक्रेट मिशन दिया गया था। उस मिशन को पूरा करते हुए तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ तुलजी जिंदा बची। इतनी सारी चीजें अपने बारे में जानने के बाद वो इस लड़के से पूछती है, बताओ क्या चाहते हो तुम? वो लड़का कहता है, बस मुझे सच जानना है, मुझे जानना है कि तुम्हें क्या हिटलर के मरने के सबूत मिले थे। अगर मिले थे तो तुमने ये बात पूरी दुनिया से क्यों छुपाई? क्यों तुमने हिटलर को सच छुपाया? इसकी बातें सुनने के बाद एना पागलों की तरह मुस्कुराने लग जाती है। वो अपनी अलमारी में से एक छोटी सी डब्बी निकालती है, जिसे खोलकर वो इस लड़की के सामने गिरती। उसने थोक से इस डब्बे में मौजूद पाउडर आदमी के चेहरे पे उड़ा दिया, जिसे सुनते ही ये लड़का ये आदमी पैरालाइज हो गया। वो लड़का पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जवाब में ये कहती है, इतनी कहानी सुनने के लिए तुम्हारा ऐसा होना जरूरी था। जिसके बाद विशेष हो जाते हैं, यानी एना अब उस आदमी को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर चुकी है। साल है 1945 का, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो रही है, जिसे जर्मन बुरी तरह हार चुकी है। रशिया की जंग जीत गया और इस जंग का जिम्मेदार यानी हिटलर किसी के हाथ में आया। जंग के इसी आखिरी वक्तों में हमें एना को दिखाया जाता है, जिसका असली नाम डुराना है। प्रेजेंट पे वो उस लड़की से कहती है, हाँ वो मैं ही थी जिसे उस खुफिया मिशन के लिए चुना गया था। इस मिशन में उन्हें एक ताबूत मिला था जिसे छुपा कर उन्हें मॉस्को ले जाना था। उसकी टीम में एक कैप्टन, एक जर्नल और दो सोल्जर और भी थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस ताबूत में क्या है। उन्हें इस ताबूत को खोलने तक दी जा सकती थी। ये मिशन क्योंकि इन्हें खुफिया रखना था, इसलिए ये लोग बाय रोड मॉस्को के लिए निकले थे। साथ ही इस सफर के दौरान उन्हें किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना था, और जिसके मुताबिक ये लोग मॉस्को के लिए निकल जाते हैं। सफर बहुत लंबा था, रात हो चुकी थी, आराम करने के लिए ये लोग रुकते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले ये लोग एक गड्ढा खोदकर उस कॉफिन को छुपा देते हैं। इसे अगर उनके ऊपर दुश्मनों का हमला भी होता तो ये कॉफिन किसी के हाथ में लग पाए। सुबह होने पर ये लोग इस ताबूत को बाहर निकालते हैं और पोलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। इस गाड़ी को निकालने के चक्कर में ये सब गाड़ी से उतर कर गाड़ी को धक्का लगाने लग जाते हैं, और तभी इन्हें यहाँ पर एक लाश दिखाई देती है जिसे ये लोग इग्नोर कर चुके थे। सफर इन्होंने दोबारा शुरू किया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे मौसम बेहतर होता गया। ये लोग चाहते थे कि इसी बेहतर मौसम में ये लोग ज्यादा से ज्यादा सफर तय करें, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही इनके ऊपर हमला हो जाता है, जिस हमले में इनके जर्नल मारे जाते हैं। हमला करने वाला एक स्नाइपर था और जंगल में छुपा हुआ था। ये सभी अलर्ट होकर अपने दुश्मन को मार डालते हैं। एनएन सबसे कहती है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर खतरा है, हो सकता है यहाँ पे और भी दुश्मन हो। लेकिन इनमें से कोई भी एना की बात नहीं मानता, और ये लोग यहाँ रुक कर अपने जर्नल की लाश को दफनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद एनएन से कहती है, अब तो हमें चलना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने फैसला किया कि वो पास के गांव में आज की रात गुजारेंगे। हालांकि ये गलत था, ऐसे उनका मिशन खराब हो सकता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस वक्त दिखाया जाता है कि सच में कोई इनके ऊपर नजर रखे हुए था। फिलहाल गए तो है ना इन लोगों के साथ ही गई, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर जाने पे उसे एहसास हुआ कि उस ताबूत को अकेले गाड़ी में छोड़ने से इनका मिशन खराब हो सकता है, इसलिए उसने वापस गाड़ी तक जाने का फैसला किया। और बाकी सब लोग यहाँ एक क्लब में चले जाते हैं। क्लब में एक लड़की नशे में धुत
लोग फिर इस लड़की से ही बदतमीजी करने लग जाते हैं। लड़की खपिया चुकी थी, अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन कैप्टन उसके यहाँ से भागने का रास्ता रोक चुकी थी। इससे पहले कि उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो जाता, यहाँ पर दोबारा एना एंट्री करती है जो उस लड़की को बचाती है। वो लड़की यहाँ से वक्त रहते ही भाग गई, लेकिन अब उस लड़की के भागने के गुस्से में कैप्टन ने एना से ही बदतमीजी शुरू कर दी। एना की चीखें सुनते हुए एना को बचाने के लिए बाहर से एक आदमी आया, जिसने आते ही कैप्टन के ऊपर बंदूक तान दी। अपने कैप्टन को बचाने के लिए एना ही उल्टा उस आदमी के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है अपनी बंदूक नीचे करो। इन सबको लग रहा था कि वो एक जर्मन है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक जर्मन नहीं बल्कि यही पोलैंड में रहने वाला एक आम शहरी है। वो यहाँ से एना के चिल्लाने की आवाज सुनते हुए उसे खतरे में जानकर उसे बचाने आया था। अभी ये लोग यही बात ही कह रहे थे कि इनके पास दूसरे कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। कैप्टन और सब लोग जब वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ किसी ने जहरीली गैस का हमला किया था और इस जगह पर कैप्टन के सभी सोल्जर्स थे, जिनमें से दो इसी जहरीली गैस की वजह से मारे जा चुके थे। लुकस यानी वो आदमी जो एना को बचाने आया था, वो बताता है कि ये काम वेयरवुल्फ्स का है। वेयरवुल्फ्स असल में जर्मन असैसिन्स को कहा जाता है, जो वैसे तो जर्मन फौज का हिस्सा नहीं होते, लेकिन जर्मन फौज के लिए काम करते हैं। यही वेयरवुल्फ जंगल में छुपकर सभी चीजों पे नजर रखते हैं और उनके दुश्मनों के यहाँ आने पे अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि एना की पूरी टीम रशिया से थी, इसलिए उन्हें दुश्मन जानकर उनके ऊपर वेयरवुल्फ्स ने हमला कर दिया। ये जो जहरीली गैस इन्होंने यहाँ फैलाई थी वो जहरीले मशरूम्स की थी, जो पहले तो इंसानों के दिमाग में जाकर उन्हें हेलुसिनेट करती है, यानी उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाती है और फिर उन्हें मार डालती है। ये सब बातें सुनने के बाद एना को अपने उस साथी का ख्याल आता है, जिसको वो अपनी जीप में मौजूद कॉफिन के पास छोड़ कर आएगी। वो अपने कैप्टन से कहती है कि मैं जल्द ही उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेयरवुल्फ्स ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया था। इस हमले में किस्मत से एक सोल्जर बच गया, जिसने अपने दुश्मनों पे भी गोलियां चलाई और ऐसे अपने एक दुश्मन को तो मार दिया, लेकिन अब खुद भी उसके ऊपर ये गैस असर करने लगी थी। उसे हेलुसिनेशन चलने लगे थे, अजीब गरीब चीजें दिखाई देने लगी थी। इससे पहले कि वो भी मर जाता, यहाँ पर कैप्टन और एना आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। वो लोग इसे बचा लेते हैं और अब एना कैप्टन से कहती है, देखिए वो दुश्मन हमारी बहन भी ले गए हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए उस ताबूत को लेकर। लेकिन कैप्टन ने एना को जवाब दिया, नहीं ऐसे नहीं जाएंगे हम अपना बदला लेकर जाएंगे अपने दुश्मनों से। एना ने उसे समझाया कि ये सिचुएशन बदला लेने वाली नहीं है, इस वक्त हमारे लिए जरूरी है हमारा मिशन पूरा करना, आप अपने मिशन से भटक रही है। लेकिन कैप्टन ने इस वक्त भी एना की कोई बात नहीं सुनी। अब जवाब में वो आदमी लुकस, जो कि एना को बचाने के लिए आया था और अब तक इनके साथ था, वो कैप्टन को समझा रहा है कि एना सही कह रही है, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, आपको सबसे पहले इस ताबूत को भी छुपानी चाहिए अगर तो ये आपके लिए इतना जरूरी है। कैप्टन सवाल कहते हैं, मगर कहां? जवाब में वो कहता है, मैं ऐसी जगह जानता हूं जहां आप इस ताबूत को छुपा सकते हैं। कैप्टन को उस पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी मान गए। उनके यहाँ से जाने के ठीक कुछ ही देर बाद यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स आए। जर्मन का कैप्टन अपने सोल्जर्स पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने हमला करने में जल्दी कर दी थी। उन्हें भी रशियंस को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें रशियंस का वही ताबूत चाहिए था जिसे वो छुपा रहे थे, यानी ये लोग भी उसी ताबूत के पीछे थे। कैप्टन कहता है, तुम्हारी इतनी सी बेवकूफी ने सारा प्लान फेल कर दिया, अब मुझे किसी भी हाल में वो कॉफिन चाहिए, जाओ जाकर ढूंढो। दी मालूम होता है कि ये जर्मन बर्लिन से ही उस कॉफिन का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे थे। ये जर्मन जा खड़े होकर बातें कर रहे थे, वहीं पर हमें एक रशियन सोल्जर यानी एना का साथी देखने को मिलता है, जिसे हम समझ रहे थे कि वो मर गया, वो अभी मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था और अब उसे होश आ चुका था। वो किसी तरह अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए इन रशियन से छुपकर वो जंगल के रास्ते पे निकल गया और रास्ते में उसे मिली वही लड़की जिसे हम पहले क्लब में देख चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि रशियन सोल्जर ने भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, और जब वो घर वापस जा रही थी तो उसे एक जर्मन ने पकड़ लिया था, जिससे भी वो बहुत ही मुश्किल से जान छुड़ा कर आई थी। उसे लग रहा था कि अब माइकल नाम का ये फौजी भी उसी का फायदा उठाने के लिए आया है, लेकिन माइकल उसे कहता है, नहीं मेरा यकीन करो, मैं तो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए कि तुम मुझे इस जंगल से निकाल कर किसी गांव तक पहुंचा दो। लड़की मान जाती है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं, इससे पहले कि ये लोग जंगल पार कर लेते हैं, जर्मन की नजर माइकल पे पड़ जाती है और वो उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। माइकल तो फौजी था, इन गोलियों से बचना जानता था, लेकिन इस सारी फायरिंग के नतीजे में वो बेचारी मासूम लड़की मारी गई। इसकी मौत से माइकल को बहुत दुख हुआ। माइकल इस लड़की के पास बैठा हुआ था कि दोनों जर्मन जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया था वो इनके पास आ गए, जिनमें से एक को माइकल ने चाकू मार के खत्म कर दिया, लेकिन दूसरा सोल्जर माइकल को पकड़ने में कामयाब हो गया। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम कैप्टन एना और लुकस को देखते हैं, जो कि हिटलर क्लैश के साथ एक घर के पास आ चुके थे। कैप्टन एनिस कहता है, हम इस आदमी पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? तब एना उसे जवाब देती है, भरोसे के लायक तो तुम भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अगर हम इस
स्टेशन के पास वापस जा पाए तो देखना, सबसे पहली रिपोर्ट में तुम्हारी करूंगी। इतने रूल्स तोड़े तुमने। खैर, अब ये लोग हिटलर के कॉफिन को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। इनकी बदकिस्मती के अंदर जाता हुआ इन्हें एक जर्मन देख चुका था। घर का मालिक एक ओल्ड कपल था। जो लोग कॉफिन को देखकर समझ जाते हैं कि इस कॉफिन में लाश है, वो एक लाश को अपने घर नहीं रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ कैप्टन पूरी समझाने की कोशिश करता है, नहीं, इसमें कोई लाश नहीं। उनको यकीन दिलाने के लिए ये लोग इस कॉफिन को खोल देते हैं और ये देखकर ये सब हैरान हुए कि इस कॉफिन में थी हिटलर की लाश, जिसके बारे में एना पहले से ही जानती थी। लेकिन एना को ये बात खुफिया रखती थी। हिटलर की वजह से ये जंग हुई थी और अब लोग हिटलर की लाश को सबको दिखाकर ये बताना चाहते थे कि कैसे उसकी सोच और वो खुद मारा गया। लुकस इस लाश को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ एना उसे संभालती है और कहती है कि ये लाश हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है, फिलहाल हमें इसे कहीं छुपाना होगा। इसे ये लुकस के साथ मिलकर ये लोग इस लाश को बैकयार्ड में छुपा देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जर्मन्स के पास उनके साथ ही माइकल को ले आए थे। माइकल जेनीज रशियंस का आदमी, जिसे देखते ही जर्मन कैप्टन गुस्से में आ जाता है और उसे कॉफिन के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन अभी माइकल को भी इस कॉफिन का नहीं पता था, अगर पता होता भी तो वो शायद बिल्कुल ना बताता। इसी गुस्से में कैप्टन एक बम के जरिए उसकी आंखें जाया करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, उसका अपना ही साथी आकर उसे खुशखबरी देता है कि उसे पता चल गया है कि रशियंस ने वो कॉफिन कहाँ रखा। ये बात सुनते ही चेयरमैन के मुंह पे एक खुशी की लहर दौड़ी थी। ये सब लोग माइकल को लेकर अब इस घर तक आ जाते हैं। माइकल एना के एक साथी को बंदी बनाते हुए वो एना की पूरी टीम से ये डिमांड करते हैं कि तुम उस कॉफिन को हमें दे दो, हम तुम्हारे बंदे को आजाद कर देंगे। लेकिन ये मानना उनके बस में नहीं था। एना अब खिड़की से ही उस आदमी के ऊपर गोली चलाती है जिसने माइकल को पकड़ा हुआ था। लेकिन इस हमले का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि गोली सिर्फ गर्दन को छूकर गुजर गई थी और इसके गुस्से में ही उस आदमी ने माइकल की कमर में एक छुरा खोप दिया था। अब जंग तो होनी ही होनी थी। ये लोग अपने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जर्मन भी इनके ऊपर हमला कर ही देते हैं। ये लोग भी चुपके से अपने बचाव में फायरिंग करने लगे और यहाँ जंग का एक माहौल बन गया। इसी जंग के दौरान हम देखते हैं कि एना का यानी रशियन का कैप्टन बाहर जर्मन के पास चला गया। उसे मरने से डर लगता था और ऐसी जंग में तो कोई भी मर सकता है। वो अब अपनी जान के बदले उस कॉफिन का सौदा करने वाला था जिस कॉफिन को इन्हें बचाने का मिशन मिला था। एना भी ये बात समझ गई थी कि उस धोखेबाज कैप्टन ने यही काम किया होगा। अब उस लाश को बचाने के लिए वो धड़ाधड़ जर्मन को मारना शुरू कर देती है और उसका ये रिएक्शन देखकर जर्मन कैप्टन समझ जाता है कि यह आदमी सच बोल रहा है। एना का ही साथ ही माइकल, जिसे इन जर्मन ने बंदी बनाया हुआ था, वो भी किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर यहाँ से निकल गया। उसने दूर खड़े एक जर्मन सोल्जर को मारा और उससे हथियार लेकर जहाँ जर्मन फौजी खड़े हुए थे वहाँ पे एक बम ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट के अंदर जर्मन तो बच गए लेकिन मर गया उनका अपना ही कैप्टन। माइकल को मारने के लिए भी जर्मन ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन सभी गोलियों से बचते हुए वो इस घर में आने में कामयाब हो ही गया। लेकिन अब फायदा नहीं था क्योंकि जर्मन ये घर जला चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई भी जर्मन नहीं था। बैकयार्ड का भी दरवाजा खुला हुआ था और दूर जर्मन की गाड़ी भाग रही थी। साफ मतलब था कि वो हिटलर की बॉडी ले गए। माइकल ने एना को बताया कि मैंने उनकी बातें सुनी थी, वो चर्च की तरफ जा रहे थे, इसीलिए ये सब लोग भी चर्च की तरफ भागते हैं। और यही चर्च के अंदर अब हम जर्मन कैप्टन को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा था, हमें इस लाश को खराब करना होगा, इसका पोस्टमार्टम करना होगा और सब रिकॉर्ड भी करना होगा ताकि लोगों को हिटलर के मरने की सच्चाई पता न चले। वो चाहता था कि लोग ये सच्चाई ना जाने कि जिस सोच के लिए हम लोग मरे, वो सोच और वो सोच देने वाला आदमी भी मर गया। ये लोग अब अपनी तैयारी शुरू करके हिटलर का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे ये प्रूफ करने की कि ये हिटलर की लाश नहीं है। इसी दौरान एना और उसके साथ ही चर्च की विंडो से यहाँ पर उसी गैस से हमला कर देते हैं, जिस जहरीली मशरूम वाली गैस से सबसे पहले जर्मन्स ने उनके ऊपर हमला किया था। इस गैस की वजह से ये लोग हेलुसिनेट करने लगे, यानी इन्हें अजीबोगरीब ख्याल आने लगे और ये लोग अपने मिशन से भटक गए। ऐसे में एना और उनके साथियों ने मिलकर इन सभी जर्मन्स के ऊपर हमला कर दिया। इस जहरीली गैस के फैलने की वजह से अंदर आग लगना शुरू हो चुकी थी, इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक जर्मन सोल्जर चर्च को बाहर से बंद कर देता है ताकि कोई भी अब इस चर्च से बाहर ना सके। आपको भड़काने के लिए वो अंदर एक शराब की बोतल फेंकने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कहता उसे एक आदमी देख लेता है। ये वही ओल्ड मैन था जिसके घर एना और लुकस रुके थे, जो ये हकीकत जानता था कि उस कॉफिन में हिटलर की लाश है। इसी आदमी के उस सोल्जर पे बंदूक चलाने की वजह से वो सोल्जर खुद ही जल जाता है। उस पे लगी हुई आग चर्च में भी भड़क जाती है क्योंकि चर्च में पहले ही जहरीली गैसें थी। इस जलती हुई चर्च को देखकर एना बचकर वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलने से पहले उसने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा पाई। माइकल, जो उसका दूसरा साथी था, वो तब हिटलर की लाश को लेकर नीचे बेसमेंट में चला गया। उसने वो फुटेजेस भी बर्बाद कर दी जो जर्मन ने बनाई थी और जर्मन कैप्टन ऊपर उससे मिनट करता रह गया कि खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। देखते देखते आग भड़क गई और हिटलर की लाश के साथ साथ सब कुछ वहां खत्म हो गया। सभी
ही जर्मन और रशियन सोल्जर्स वहाँ मारे गए और एक जिंदा बची तो वो बस एना थी। फिर कहानी अब प्रेजेंट पे आती है जहाँ बुरी एना उस लड़की के सामने बैठी है। वो बताती है कि जब मैं रशिया वापस पहुंची तो मेरे अपने ही मुल्क वालों ने जिन्होंने मुझे इस मिशन पे भेजा था उन्होंने खुद मुझे कैद कर दिया। 6 साल बाद जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे पोलैंड भेज दिया गया और पोलैंड में मिला मुझे मेरा पुराना दोस्त जो कि लूकस ही था। मेरी इतनी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जो सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी कि हिटलर मर गया उसकी सोच खराब थी। वो एक बुजदिल इंसान था ये मैं साबित नहीं कर पाई। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद एना दुखी थी। वो अब एक गिलास में कुछ मिलाती है और उस लड़के को पिला देती है। ये जहर था जो एना के लिए उस लड़के को पिलाना जरूरी हो गया था क्योंकि अब उसे एना की कहानी पता थी। महीने से पहले एना ने इस लड़के के सामने एक बॉक्स खोला। इसके अंदर क्या था ये तो नहीं दिखाया गया लेकिन हमें ये लग रहा है कि इसमें जरूर हिटलर का ही सेव किया हुआ सर था और शायद इसी सर को लेने के लिए इसी लड़का यहाँ तक आया था, जिसे मरता दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।